पढ़ना नहीं आता। मिस्टर वी सागर कॉल मी है, मैं हिंदी में बोलता ज़्यादा अच्छा लगता है, सो अगर आप लोगों को एतराज ना तो मैं हिंदी बोल सकता हूँ। प्लीज, कोई ऐसा तो नहीं जो हिंदी समझता है। वी सागर जी ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मेरे लिए। आप में से किसी को ब्रांड नहीं पता है सुकैम? घर में सो मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, तो फिर उसके बाद हम मेरा ये रहता है कि ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछें तो मेरे को ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैं कुछ आंसर कर सकूँ, और बाकी सब के मैं खुद देख रहा हूँ आप लोगों के, मुझे तो यहाँ के बैठना चाहिए, मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी। आइए ना, जॉइन ना सर। हम लोग बड़े आउट ऑफ टच हो जाते ना अपने कमरों में बंद रह के, बड़ा जैसे आप फॉर्म्स की बात कर रहे हो, किसी समय मेरी नॉलेज बहुत अच्छी हुआ करती थी वैट्स की, आजकल नॉलेज बहुत खराब है, सो आई थिंक वी नीड टू अपडेट आवर नॉलेज। सो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और पंजाबी बाग से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर रेलवे में थे, उनको बिजनेस करने का बड़ा शौक था, वो बिजनेस भी करना चाहते थे और नौकरी भी करना चाहते थे, सो ऑब्वियसली वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए लाइफ में, लेकिन उन्होंने मैंने उनको बिजनेस में मेहनत करते हुए देखा हमेशा, कभी घर में चैन से बैठे हुए नहीं देखा, तो शायद मेरी मोटिवेशन बनी रही कि मैं अपने फादर को हमेशा एक एज ए वो देखता रहा, बहुत मेहनत करी उन्होंने लाइफ में और बहुत नुकसान करे, और इस वजह से हमारे घर में ये चैलेंज था कि जितने पैसे कमाते थे वो सब बिजनेस में ही चले जाते थे, सो वी वर मतलब हार्ड टफ मतलब स्कूलिंग हुई, तो स्कूलिंग के बाद मेरा जो बड़ा ब्रदर था उसने 12th के बाद पढ़ाई नहीं करी और पेन बेचना शुरू करे साइकिल पर जाके, किसी कोई मैन्युफैक्चरर था उसके पेन दुकानदार पर जाके बेचते, तो मैंने भी उनके साथ जाके पेन बेचना शुरू करे साइकिल पर, तब से मुझे थोड़ा सा पैसे कमाने का कुछ आइडिया लगा, तब मैं 10th में था, उसके बाद 11th 12th करी मैंने और फिर मैं ग्रेजुएशन करी मैंने हिंदू से, कॉलेज में मैंने ऐसे ही करा, मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, जो मैंने कोर्स किया मैंने किया स्टैटिस्टिक्स, जिसका नाम तो उस टाइम कोई आइडिया था ना, इस टाइम कोई आइडिया स्टैटिस्टिक्स करके मैं, तब तक मैं अपने ब्रदर के साथ काम करता रहा, मेरा ब्रदर फिर बड़ा होता गया, उसने कार ले ली, दुकान ले ली, नई सड़क पर दुकान बना ली, और फिर मुझे था कि मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा, तो मैंने सु-कैम ब्रांड कॉलेज में ही सोचा था कि मैं पेन पे रखूँ, पेन के ऊपर अपना ब्रांड लगाऊँ, और कॉलेज से निकला, 2 साल उसके बाद काम किया, 2 साल जब मैंने काम किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ और यू नो ब्रांड बनाना चाहता हूँ, और मेरा ब्रदर थोड़ा रिजर्व था, तो फिर मैंने ठीक है काफ़ी देर मैं काम करता रहा, फिर मेरे को लगा नहीं मुझे कुछ और करना है, ऑब्वियसली फिर मैंने उसको छोड़ा और मैंने अपनी नौकरी करी 2 साल नौकरी करी, और उसके बाद मैं फिर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि दिमाग में तो कीड़ा था कि कुछ करना अपना, तो मैंने केबल टीवी में काम करना शुरू किया, क्योंकि मैंने जो नौकरी करी थी वो केबल टीवी की कंपनी थी, देवर मेकिंग केबल टीवी इक्विपमेंट, सो फ्रॉम देयर आई शिफ्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ABCD आता नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और कूद गए वहाँ पे, पहले हमने MATV CATV इंस्टॉलेशन हुआ करती थी, जिसमें एक एंटेना होता था और 2 एंटेना का चैनल और एक केबल टीवी का चैनल, होटल्स में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लगाते थे, तो पहले साल में ही समझ आ गया कि भाई बिजनेस करना तो प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब सेल्स आना तो बड़ा आसान था, इंस्टॉलेशन वाज अ बिग चैलेंज, खैर करते करते सीखते गए, लोगों से करते गए, ऐसे पढ़ते चले गए लाइफ में, धीरे धीरे लाइक मुझे समझ, आप जैसे जैसे आप लोग समझते हो वैसे मैंने समझे लाइक देयर इज नॉट डिफरेंस, एंड करते करते फिर हमने केबल टीवी में अच्छा काम किया, डिश एंटेना बनाया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी 92 में, मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही, जैसे मैं केबल टीवी में आया मैंने 89 में बिजनेस शुरू करा, 91 में केबल टीवी शुरू हो गया घर घर में, तो ऑब्वियसली इट वॉज अ जंप फॉर मी, सो आई गॉट इन टू मैन्युफैक्चरिंग इन 92, एंड उसके बाद केबल टीवी के सारे इक्विपमेंट बनाने शुरू करे, सैटेलाइट रिसीवर्स, डिश एंटेनास एंड ऑल, बाकी स्टोरी मैं सुनाना नहीं चाहता क्योंकि वो सबकी एक जैसी होती है, मैंने
इन्वर्टर बिजनेस में कदम रखा। वो भी ऐसे ही था, कोई मेरे घर में इन्वर्टर लगा हुआ था, एक बंदा आता था बार बार ठीक करने के लिए, तो मैं उसको बोलता था भाई बताया प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये आपको समझ नहीं आएगी, एक बार दो बार तीन बार, चलो भाई समझ जाते हैं। तो मैं अपने इन्वर्टर को लेके गया अपने, हमारे पास फैक्ट्री तो थी अपनी केबल टीवी इक्विपमेंट बनाने की, तो मैंने खोल के देखा तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बुरे हाल में है। मतलब हम उस टाइम पे भी पीटीएस बोर्ड यूज किया करते थे, वो तो बहुत ही मतलब रफ सा इन्वर्टर था। तो ऐसे करके हमने फिर कहीं इन्वर्टर भी बाहर से मंगाया, वो इन्वर्टर इंडिया के खोले सब एक जैसे थे, उस टाइम कलकत्ता के इन्वर्टर आते थे, कलकत्ता से बन के आते थे इन्वर्टर, कलकत्ता वाज स्ट्रांग इन इन्वर्टर्स। सो हमने खोल के उसका तिया पांजा किया और चालू करा नकल करना, कैसे ना तैसे करके कुछ ना कुछ इधर कुछ इधर से उधर से उठा के हमने एक इन्वर्टर बना डाला। ऑब्वियसली वो चलना तो था नहीं, लेकिन मेरा केबल टीवी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो फाइनेंशियल मसल थी, तो हमने उसको ठीक किया, दोस्तों के घरों में लगाए, गालियां वालियां खाई उनसे भी, और लगा के चलाए, एक साल में चलने लगे हमारा इन्वर्टर। उसके बाद से तो फिर कोई लिमिटिंग नहीं थी, फिर हमने वारंटी करनी शुरू करी एक लड़के को, क्या अभी तू डेजिग्नेटेड सर वारंटी करेगा, ऐसे करके तो फिर हमने आरएनडी शुरू करी 99 में, वी स्टार्टेड द आरएनडी एंड टुडे वी हैव द बिगेस्ट आरएनडी इन द इंडस्ट्री, 40 पीपल वर्किंग इन द आरएनडी ओनली। एंड इन्वर्टर में हमने कुछ छोटा बनाया, बड़ा बनाया, साइन वेव टेक्नोलॉजी बनाई, फिर यूपीएस बनाए, ऑनलाइन यूपीएस बनाए, फिर अब सोलर में, सोलर करते हुए हमें 2004 में हमने सोलर शुरू कर दिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना सोलर, तो वी वर फर्स्ट एक्सपोर्टिंग सोलर टू अफ्रीका, इंडिया में तो नहीं बेचा, अफ्रीका में बेचा हमने। और फिर इंडिया में भी जितनी टाटा भी है, सोलर की जितनी भी कंपनियां, आरियल है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जितनी पुरानी कंपनियां सब हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स लेती थी। एंड फिर अभी हमने पिछले 3 साल पहले हमने प्रोजेक्ट करने शुरू करे, तो वी डोंट डू मेगावाट प्रोजेक्ट्स, वी डू ओनली यू नो रूफ टॉप फैक्ट्रीज हाउसेस, वी डोंट डू मेगावाट प्रोजेक्ट्स। एंड सोलर इज डूइंग वेल, एंड ऑब्वियसली मेरे लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आया लाइफ में, पहले बहुत पैसा कमाया, फिर बहुत गवाया, गलत डिसीजन लिए, जब ज्यादा पैसा था ज्यादा गलत डिसीजन लिए। तो मैं हमेशा लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, जब आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हो तो सबसे ज्यादा गलतियां करते हो, जब आप वीक होते हो तो आप गलती करने लायक नहीं होते, तो आप गलती नहीं करते, आप अफोर्ड भी कर लो तो अफोर्डेबिलिटी इज वेरी लेस। सो जब आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हो सबसे ज्यादा गलतियां करते हो, सो ऑब्वियसली आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ यू नो जैसे दुनिया करती है, मैंने भी बड़ी मिस्टेक्स है। एंड अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2000 एम्प्लॉइज हैं एंड 1000 करोड़ प्लस टर्नओवर है, एंड 4 यूनिट बद्दी में है, 2 यूनिट गुड़गांव में, और एक्सपोर्ट करते हैं, 200 करोड़ का एक्सपोर्ट है, वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। आप ग्रेजुएट थे, पढ़ा लिखा में शौक नहीं था, इतने आरएनडी में इतना स्ट्रांग कैसे हो गए, यू लीड द आरएनडी? पर मुझे खुद नहीं पता था ना, एक्चुअली आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता, जब तक आप काम करने आते तो पता लगता है कि बच्चा कह रहा है कि 9 करोड़ की टर्नओवर है, ये आपको सब दे रहा है, 5 साल बाद इसको पता लगेगा मैं क्या समझता हूँ लाइफ में, अब किसी को भी नहीं पता होता ना मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ प्लान तो करी नहीं। तो एक्चुअली वी ऑल लर्न आवर यू नो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, योर व्हाटएवर आई सॉ, आपका जो रोल है आरएनडी में पर लीडिंग रोल है, ये नहीं है कि भाई आप सीईओ हैं इसलिए मैं मेरे को सब कुछ मालूम है, आप हैंड्स ऑन आरएनडी वाले, तो वो कैसे नॉलेज कैसे एक्चुअली क्या मैं इंटरेस्ट और नॉलेज कैसे कैसे मैं सेल्स कर रहा, जैसे 10वीं क्लास से मैं सेल्स कर रहा था, तो सेल्स करनी तो खून में आ गई थी, तो वो चैलेंज था नहीं, और टेक्निकल सीखने की आदत डली, तो फिर मैंने जब लड़कों के साथ पढ़ता था ऑब्वियसली मेरा बड़ा बेवकूफ बनाया लोगों ने, इंजीनियर्स ने, बाकी लोगों ने, सब कोई कुछ ना कुछ बेवकूफ ही बना के गया लाइफ में, तो जितना बेवकूफ बनाते गए उतनी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती गई, मैं लर्न करता चला गया लाइफ में, फिर मुझे नहीं पता लगा कब मैं टेक्निकल हो गया। सो अब मैं आई स्पेंड मोर टाइम इन टेक्नोलॉजी देन यू नो सेल्स, एंड मतलब वो आदमी का जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। अब सेलिंग तो यह थी कि मैं किसी भी कहीं भी जाऊं सेलिंग करने, तो आई वॉज अ वेरी गुड सेल्स गाय, मतलब इंप्रेस करना लोगों को, ये करना बड़ा हो चुका था। फिर थोड़ी देर बाद फिर आदमी कहता है यार ठीक है ये सब चीजें छोड़ो, जहाँ इंटरेस्ट है तो वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। सो आई थिंक ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट आई हैव टू मैन्युफैक्चर, एंड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आरएनडी इन द वर्ल्ड, वी हैव फाइल्ड हाईएस्ट पेटेंट इन द इंडस्ट्री, सो वी हैव फाइल्ड मोर देन 100 टेक्नोलॉजी पेटेंट्स, एंड एवरी मंथ वी फाइल अराउंड 1 or 2 पेटेंट्स।
So after solar, what next? I don't know. You had a question. I mean, you were telling that. मैं गवाया जब तो problem हो जाती है. तो फिर उससे recover करने में जो time है, वो हम short करते रहते हैं. कितना fast है? पहले आप कई बार मैं होता था कि भाई शायद 10 दिन मैंने काम नहीं किया. फिर ऐसा आया 2 दिन काम नहीं किया. फिर मुझे लगता है 3-4-5 घंटे लगते हैं when I recover. So मुझे लगता है कि you know recovery time जितना fast होता जाए उतना अच्छा है. Because आप पैसा कमाओगे तो गवाओगे तो पक्का. अगर आप खाली कमा रहे हो और गवा नहीं रहे फिर तो आप प्रोफेशनल हो गए. तो आपने कमाने के साथ गवाना तो है ही. सो वो गवाने की जो धीरे 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 जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है. उन्होंने मेरा सब कुछ सीज कर लिया और मेरे कॉम्पिटिटर ने रेड कराई थी. सो कुछ छोड़ा ही नहीं. मेरे मतलब डिस्ट्रीब्यूटरों में भी रेड 200 लोग घरों पे ऑफिस पे. और जो कॉम्पिटिटर था उसने बोला भैया तो बंद हो गई. और मेरे 50% लोग उठा के ले गया कॉम्पिटिटर. R&D भी उठा के ले गया सारी. सो यू नो बिग डिप्रेशन. आपके हाले से कॉम्पिटिटर गया. वो चलता रहता है यार. अब देखो ऐसा होता है कि पहले मेरे को कोई मेरे एम्प्लॉय छोड़ के जाता था तो मुझे 2 दिन नींद नहीं आती थी यार. मैंने इसको बिल्ड किया, सिखाया, करा, ये कुछ हुआ. अब ठीक है यार. मतलब यू गेट यूज टू दीज थिंग ना. पहले शुरू शुरू में तो होता है बट कितने शॉक. रोज शॉक लगते हैं तो फिर आपको शॉक हो जाते हो. वही है ना. एक आदमी ज्योतिषी के पास गया. बोला ज्योतिषी बोलता है तुम्हें 40 साल की उम्र तक बहुत परेशानी आएंगी. कहता है उसके बाद क्या होगा. कहता है आदत पड़ जाएगी. ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ है. मतलब आप यूज्ड हो जाते हैं. पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी. नहीं नेगेटिविटी भी लाइफ ऐसी. पर पॉजिटिव करने की कोशिश रहेगी. देखो जी नॉर्मल जो सबके साथ होता है मेरे साथ हुआ. कोई ऐसा नहीं है कि कोई यू नो ऐसा कुछ हुआ है जो मैं सोचूं कि बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था. बस आई थिंक आई एम लकी. रिस्क लेने की क्षमता कैसे आई सर. रिस्क लेने की आप समझते नहीं है. कहाँ रिस्क है. मुझे तो समझ नहीं आता क्या रिस्क है इंसान के. अब साइकिल पे बेचते थे तो पैसा आया तो रिस्क ले लिया. नहीं था तो नहीं लिया. कोई पीछे बैंक तो बैठे नहीं था उस टाइम. कोई ऐसे पैसे मिलते नहीं थे जैसे आजकल बच्चों को मिल जाते हैं. उस टाइम कौन पैसे देता था. मैं 5,000 रुपए का बैंक लोन लेने गया. साले 25 चक्कर लगाने छोड़े 5,000 कमा लेंगे. तो यू नो हमारे टाइम में तो ऐसा था नहीं. अभी हो गया कि लोगों का रिस्क लेने का सीन है. और अभी भी क्या रिस्क लेना है. किसी और का पैसा तो रिस्क लेने की जरूरत ही क्या. व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. सी इट डिपेंड्स बिकॉज वी नॉट एबल टू गेट दैट. आई मीन यू आर मेबी एन एक्सेप्शन बट मोस्ट ऑफ देम द क्वालिटी दैट यू नीड टू गेट A, because the price is not being offered, or what it is, I don't know, but the quality that we need to compete or to get that quality is not just coming out. ऐसा नहीं है. आप देखिए अभी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है. अगर आप PCB लेते हैं तो SMD बनता है. हमारी SMD की मशीन है नहीं किसी और की SMD की मशीन है. सब कुछ एक्चुअली आज की डेट में इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है. बेस्ट पार्ट इंडिया का क्या होगा. सॉफ्टवेयर्स. बिकॉज ऑल हार्डवेयर्स विल बी हैविंग सॉफ्टवेयर एम्बेडेड थिंग्स. सो इंडिया इज गोइंग टू कम अप वेरी फास्ट. अभी क्या है सब लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर यहाँ बनता है. चिप्स यहाँ बनते हैं. मतलब चिप्स यहाँ नहीं बनते. चिप्स यहाँ डिजाइन होते हैं. चिप्स भी बाहर बनते हैं. सो यहाँ हम लोग बड़ा कुछ यू नो IP क्रिएट कर रहे हैं बट बाहर वालों के लिए. इंडिया में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. बिना मार्केटिंग का भी होता है ना. अगर आपने आज आप कोई कंपनी शुरू कर ली कोई प्रोडक्ट बना लिया मार्केट कैसे करोगे तो वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है. बनाने का चैलेंज नहीं है. तो सबका सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि मार्केट कैसे करेंगे प्रोडक्ट. लेकिन मुझे लगता है कि चलो एक बार कोई पहला प्राइम मिनिस्टर आया इस देश में जो कहता है यार मेक इन इंडिया होना चाहिए. आज तक तो किसी ने बोला ही नहीं. आज तक तो किसी ने बिजनेस की बात नहीं करी. कांग्रेस के जमाने में तो हम सारे बिजनेसमैन चोर थे. तो यू नो वो एक एटीट्यूड चेंज आ रहा है. एटीट्यूड शिफ्ट आ रहा है कि बिजनेस की लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप. ग्राउंड पे अभी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा वो मुझे थोड़ा डाउट है उस पे. अभी कुछ खास नहीं हो रहा लेकिन मुझे लगता है कि चलो बात तो शुरू हुई. एटलीस्ट यू नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. क्योंकि अभी तक मुझे नहीं याद आता किसी गवर्नमेंट ने बिजनेस की बात की हुई. चाहे वो नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी चाहे इवन वाजपेयी की गवर्नमेंट थी. दे नेवर टॉक्ड ऑफ कि हम बिजनेस बड़ा करेंगे या यू नो दिस इज वन गाय हू सेइंग कि यार हम बिजनेस करेंगे. वो होता ही नहीं होता. लेट्स सी. Why are a lot of manufacturers moving to Africa purely because they think the market is big there or it is what? Africa हमारे से 10-20 साल पीछे है. आप South Africa को छोड़ दीजिए.
रेस्ट ऑफ द अफ्रीका इज 5% इलेक्ट्रिसिटी है पूरे अफ्रीका के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर. स्प्रेड आउट बड़ा फास्ट है, स्प्रेड आउट बहुत वाइड है. और लोगों का आज से समझिए, अगर कोई इंडियन वहां चले जाते हैं, अगर एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो यहाँ आना नहीं चाहेंगे. मार्जिन अच्छे हैं, lifestyle different है, lifestyle बहुत अच्छा है राज्य का. Why is the margins are better there? This really happened my industry as well. The stuff I try to sell in India, I can't sell the price. My co-distributors or dealers sitting in Malaysia or Singapore, he can sell that same product at 10-15% premium. Whereas, you know, ultimately, for example, I do a lot of OEM work for say Samsung or LG and all these guys. The Samsung LG guy manufacturing in Indonesia or Malaysia and in India, the same company can sell that same product at a much higher price than over here. Because made in India का थोड़ा label उतना strong नहीं है ना जितना बाकी countryों का है, तो इसलिए फायदा हो जाता है. But otherwise India का भी बिक रहा है, काफी Indian companies हैं वहाँ पे अभी Africa में who are creating a brand. It all depends on your strategy. Because मेरा product different है, मेरे product में service देनी है. So we go and try to create service network there. वहाँ के लोगों को train कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो you know it's a हमारा product थोड़ा सा different है. It is not a single just आपने sell कर दिया और भूल जाओ. You have to give services and all. So we are working on it. There is another client of mine. He's setting up a plant in Africa for making LEDs. So I think that CFL thing, they've just cut through it. They're not even going for that traditional two-stage LEDs. And that CFL, which we all went through, that is not happening at all in Africa. Yeah, because Africa mein 20 saal bhi pehle the, 20 saal piche the. तो वहाँ पे जब तक आपका CFL पहुँचता उससे पहले LED पहुँच गई और CFL बंद कर दिया दुनिया ने बनाना. जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं CFL सब जगह बंद हो गए. इंडिया में भी ऑलमोस्ट वी आल्सो लीड फ्रॉम लाइक दैट टेलीकॉम इफ यू सी वी आर अहेड ऑफ यूएस इन टेलीकॉम बिकॉज़ दे वेंट टू स्टेजेस. हम एकदम डबल जंप ले लिए. सर जैसे आप हैं, आपने भी लाइव देखी, मेरा नाम कुंवर है जी, वैसे आप ऐसी कौन सी दूसरी पर्सनैलिटी है को आप appreciate करते हैं जिन्होंने exactly same और probably similar life नीचे से लेकर ऊपर आए? ऐसे नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ because मैं बहुत ज़्यादा बहुत जगह में जाता हूँ जहाँ पे हम लोग you know speaker होते हैं. मेरे से बड़े सारे लोग travel करते हैं, जब speaker होते हैं generally 3-4 लोग होते हैं. naukri.com वाला है, सुला वाला है और बड़े सारे लोग हम same age group के हैं. So we interact, तो सबके हमें एक जैसे ही लगते हैं. सबके वही मतलब जैसे सबने बड़ा मॉडेस्ट शुरू करा और थिंकिंग बदलती चली गई, इम्प्रूवमेंट होती चली गई, तो सबका मुझे लगता है सेम ही है. एनी रोल मॉडल ऐसा कोई बिल्कुल साथ में टच में तो कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं, लेकिन हाँ मुझे रतन टाटा अच्छा लगता है. इस दौरान आपने अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे, पैसे के हिसाब से भी ऊपर नीचे देखा, वेल्थ के हिसाब से भी ऊपर नीचे हुए, और रिलेशन के हिसाब से भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ हुआ होगा. तो यहाँ पे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके लिए जो पैसा चेज करते हैं या वो वेल्थ की बात करते हैं, कई रिलेशनशिप्स के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, तो आपको उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए मैं कोई ज्यादा मैसेज दे नहीं सकता, लेकिन देखिए पैसा चेज करना कोई बुरी बात नहीं है. मतलब एक उम्र में मैंने भी चेज किया है, तो पैसा चेज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा मैं उनको ये समझाऊं एथिक्स क्या होते हैं, तो मैं नहीं एथिक्स नहीं समझाता तो उनको क्या समझा सकता. जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आपकी बड़ी डिफरेंट थिंकिंग होती है. जब आपके पास कुछ हो जाता है तो थिंकिंग बदल जाती है. अगर आज से 20 साल पहले मुझे आप बोलते एथिक्स तो मेरे लिए था यार. जब मेरी एक्साइज रेड हुई तो लोगों ने बोला यार तुम ये दोनों बड़ा काम कर रहे हैं, और मैं एक्चुअली बड़ा दोनों बड़ा काम कर रहा था, एक्साइज सेल टैक्स सब, और मेरे को लगता था सब करते हैं, मैं कौन सा कोई नया कर रहा हूँ. So you know, for me that was a routine affair. तो मुझे नहीं लगा कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आज शायद मैं ये नहीं सोच सकता, because you know, तो क्या होता है आपकी टाइम के साथ आपकी थिंकिंग चेंज होती है. और किसी भी यंगस्टर्स को मैं अपनी जबरदस्ती वो चीज दूं मानेगा तो है नहीं. मतलब करेगा तो वही जो उसने करना है, क्योंकि उसका वो फेज है, मेरा भी फेज था, तो मैंने भी ऐसा ही किया. तो मुझे लगता है पैसे को चेज करो, बट एक बात मैंने जो सीखी लाइफ में जो मुझे लगता है मेरे लिए अच्छी रही, और मैंने हमेशा उस चीज को अडेयर किया कि जो आपका कस्टमर है ना, उसको उसके साथ ईमानदारी से पेश आओ. मतलब अगर खराब है चीज तो आप बोल दो खराब है. कोई कस्टमर ने आज तक मुझे चू नहीं गई. मैंने अपनी जिंदगी में इतनी जगह मेरे सप्लायर को मैंने पैसा देना था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने सप्लायर को बुलाया, मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं. एक सप्लायर ने नहीं बोला कि बॉस
हम आपके साथ काम नहीं करेंगे. Rather this, they willingly और उधार दिया मुझे काम करने के लिए. जो चीज मैं लोगों को सिखाता हूं, हम जिस चीज से भागते हैं वो वही चीज सबसे आसान होती है. अगर आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, उसको बोलो यार देख मेरे पास, आपने 3 महीने में समझ आता है, बोलो मैं 4 महीने में तेरे को पैसे दूंगा, कोई आपको कुछ नहीं कहता. लेकिन जब आप किसी का फोन नहीं उठाते, भागना शुरू करते हैं, एक तो अपने लिए मुसीबत पाल लेते हैं क्योंकि आपका सारा दिमाग मां लगा रहता है कि यार उसने फोन करना है, इसने करना है, वो करना है. सो इफ यू कैन यू नो हैंडल इट ऑन द स्ट्रेट अवे कि भाई नहीं है यार. और हम आधे लोग यही डरते हैं यार, अगर उसको ये पता लग गया मेरे पैसे नहीं तो क्या करेगा, उसको वैसे ही पता होता है यार. हम सिर्फ बोलते नहीं तो उसको तो पता ही होता है, लेकिन अगर हम मुंह से बोलते हैं तो उसकी हमारे लिए इज्जत पैदा हो जाती है. मिस्टर कुंवर, ये यही बात अगर कस्टमर के लिए कही जाए, आपको पता है कि कस्टमर शायद आपसे ठीक नहीं कर रहा है, तब भी आप उससे ये बोलेंगे जो वो बोल रहा है कि ठीक है? ये समझ नहीं आपकी बात. देखिए, आपने बोला कि आपने कभी भी किसी कस्टमर को अगर वो बोलता है ये चीज खराब है तो आपने कहा खराब है, बट आपको पता है वो खराब इसलिए कह रहा है बिकॉज वो आपका अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है. एक तो कस्टमर है जो जेन्युइन है, जो नहीं है उसको आप कैसे डील करें? उसको अनड्यू एडवांटेज मैं थोड़ा विड्रॉ कर जाता हूँ, किसी और को आगे खड़ा कर देता हूँ. आप बताते ना, मतलब अगर आप सामने हो तो आप उसको बोल देते कि आप गलत बोल रहे हैं. नहीं, वो मैं अवॉइड करता हूँ. वो मैंने सीखा लाइफ में. सीखा आपने? आपका जो ब्रांड है सुकम, हाउ डिड दिस नेम कम अप? वो मैं कॉलेज में था तो ऑब्वियसली कॉलेज में अपनी लाइफ थी, बहुत अच्छी लाइफ थी, तो वहाँ पे कॉलेज में बैठ के हमने किसी लड़की के साथ इश्क था, बैठ के सोचा उसका नाम, मेरा नाम, बच्चों का नाम. I have to find this out for a long time. मैं एंटरप्राइज के साथ बैठा हूँ तो भैया से there is nothing great about it. But I didn't know that this name will be, you know, so famous or लोग सोचेंगे चाइनीज नेम है, you know. उनको पता है जिनके जिनके रखा था आपने? नहीं, उनसे मेरी शादी नहीं हुई. उससे दोबारा मुलाकात भी नहीं हुई. डिसिप्लिन नहीं होगा तो देखो, आप जैसे अपने बच्चों के बारे में बोल रहे हो कि मुझे अपने लोग मोटिवेट करने हैं, तो आपको फ्रंट से लड़ाई लड़नी है. अगर आप सुबह चाहते हो लोगों की आपके 9 बजे आए, तो आपको 9:45 बजे पहुंचना है. अगर आप कहोगे यार मैं तो 9:30 आऊंगा, मैं तो मालिक हूँ, फिर कुछ नहीं होना, फिर आप हाजिरियां लगाते रहो. सो अगर एंटरप्रेन्योर एज एंटरप्रेन्योर इफ यू कांट बी अ रोल मॉडल, मैं अभी स्टेज से निकल गया हूँ तो मैं अपने एचओडीज को बोलता हूँ भैया देखो टाइम पे पहुंच जाना, अगर तुम चाहते हो लोग टाइम पे आए तो. बट ज्यादातर लोग मतलब बाय एंड लार्ज हो जाते हैं. आई डोंट गो नाउ, नो आई डोंट गो सो अर्ली, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन मैं फैक्ट्री पहले खुलवाता था फिर ऑफिस जाके जाता था, तो 8 बजे फैक्ट्री खुलती तो मैं 7:30 बजे 7:30 बजे फैक्ट्री हुआ करता. सर, बिजनेस में कैश फ्लो की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है. आपका बैंक भी ये देखने वाला है. हाँ जी, बैंक भी ये देखेगा भाई आपके पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, दे देगा आपको पैसा. अगर वो देखेगा आपका पैसा नहीं आ रहा तो नहीं देगा. कैश फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगती है कि एंटरप्रेन्योर्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज कहीं कभार आता है, उनको पैसे मांगने नहीं आते, पैसे देने आते मांगने नहीं आते. किसी को दे आएंगे फिर मांगने के लिए सोचते रहेंगे यार मांगने जाओ ना जाओ, बुरा मानेगा अच्छा मानेगा, ये तो भाई सीखना पड़ेगा, इसके पास तो चॉइस नहीं. इसमें आपने क्या सीखा? पता नहीं, मेरे को ज्यादा इतनी जरूरत पड़ी नहीं, मतलब टचवुड में बुरे हाल में रहा हमेशा, तो ऑब्वियसली मांग लेता था. और पैसा हमेशा टाइट रहना चाहिए इंसान के पास. जो कहता है ना मेरा पैसा फालतू है, समझो आपका बुरा टाइम आने वाला है. पैसा हमेशा टाइट रहना चाहिए. कई लोग सोचते ना यार मेरे पास जब मेरे पास वो होगा ना पैसा खुला होगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, अभी कर लो, अपने आप को टाइट रखना. मतलब अपना अच्छा टाइम चल रहा है. देखो, आप जब हजारों में कर रहे हो तो आप टाइट हो, लाखों में कर रहे हो तो टाइट हो, करोड़ों में भी टाइट ही रहोगे ना. अगर टाइट नहीं होंगे तो फिर देयर इज अ चैलेंज ना. दैट मींस ईदर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट यू नो री इन्वेस्टिंग और थिंग लाइक दैट. और मैंने एक और अच्छी काम किया, मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया. मैंने प्रॉपर्टियां वो खरीदी जो मुझे चाहिए थी, मेरे को अपने बिजनेस के प्रॉपर्टियां चाहिए थी वो खरीदी, और मैंने प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्ट किया. हाँ, तो मेरी अपनी फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्रियों के लिए चाहिए थी. फैक्ट्रियों के लिए हमने खड़ी करी, अपने फैक्ट्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया, सब कुछ करा. आज वो भी गलत हो गया, आज मुझे वो भी बदलना है कि मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी है.
कि मुझे अपना प्रॉपर्टी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना, मतलब अपने जो काम के लिए किया हुआ वो भी। एनी स्पेसिफिक रीजन आपने क्यों नहीं किया उस टाइम पे? पता नहीं, मतलब लोग कट को ये कहते थे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, और मुझे लगता था यार क्या प्रॉपर्टी लेके क्या करेंगे। और मैंने अपने फादर को थोड़ा बुरा टाइम देखा था उनके साथ प्रॉपर्टी के चक्कर में, उनकी लाइफ खराब होते देखी थी, मैंने कहा ये काम नहीं करना लाइफ। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने दो प्रॉपर्टियां ले ली ठीक है जी, अब आपका सारा ध्यान लगा रहेगा कोई इसमें कब जाना कर ले, कोई कुछ ना कर ले, किरायादार बैठाया तो किरायादार के साथ उलझते रहोगे, 10-15% 20% आपका दिमाग वहां लग जाएगा, क्या फायदा है। और अपने काम में इन्वेस्ट करके हर आदमी सोचता है, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि यार काम से निकाल लेते हैं, काम से वो नहीं आएगा प्रॉपर्टी में बढ़ेगा पैसा। अरे यार पैसा तो काम से ही निकाल रहे हो ना, इसका मतलब काम में आपने पैसा बनाया ना, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो और अच्छा बन जाएगा पैसा। बट हमारा सबको देखते हैं ना यार वो प्रॉपर्टी में वो बन गया, हमारे रोल मॉडल बड़े बन जाते हैं प्रॉपर्टी, तो हम खुद ही प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ मार्केट प्रॉपर्टी खरीदने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी के लिए अपने कोई सामान खरीदना हो, कोई सॉफ्टवेयर खरीदना हो, कुछ खरीदने में 10 बार सोचेंगे। वो मेंटेलिटी आज के समय में नहीं चलती। मैं तो खैर उस जन्म में भी ठीक था। सो यू नो दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, इन्वेस्ट इन योर पीपल, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। एवरी डे वी लर्न एंड से दैट वी शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, बट and if we talk about business, whether it's your business, my business or anyone, and we are not investing in real estate or we are not investing in trading and anything, then how do we create that multiple sources of income? Multiple sources kyun chahiye income ke? Pehla mera sawal aapse, chalo jis din aapka time yahan kharab aa gaya to aapki real estate bhi bik jani hai, bachna kya hai? Jis din aapka time kharab aayega to bachna to kuch bhi nahi hai, aapko real estate bech ke apna kuch bachana padega, to kya fayda hoga multiple sources ka bhi? देखो जी, जब आदमी का टाइम खराब आता है ना, कोई भी साथ नहीं देता, कुछ भी रखा हुआ है, द बैकअप प्लान वोंट वर्क। नहीं सर, आई बैकअप प्लान होता ही नहीं इंसान के पास। आई डिसएग्री विद यू, बिकॉज़ जब आपका टाइम खराब आता है और आप फिर खड़े होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है या कोई ऐसी ग्रुप फ्रेंड रिलेटिव होता है जो आपके ऊपर बिलीव करता है, चाहे आपके वेंडर्स हो या कुछ हो। अगर वो नहीं हो तो आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते। वो तो हमेशा ही होता है ना सर, इट इज ऑलवेज वो अच्छे टाइम पे भी होता है, बुरे टाइम में भी होता है, दैट्स ट्रू। लेकिन अभी प्रॉपर्टियां और ये सब चीजें आपके काम नहीं आती, वैसे ही मंदा है प्रॉपर्टियां, फिर अच्छा हो जाएगा प्रॉपर्टी में, फिर अच्छा हो जाएगा भाई। हर 5 साल में हम देखते हैं कि 5 साल प्रॉपर्टी बैठी रहती है, फिर वो पैसे की वैल्यू गिर जाती है 5 साल का, फिर प्रॉपर्टी उठ जाती है 1-2 साल। जब अगर आप जब बेचते जाओ तो प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है, नहीं किस बट हमने उस काम में घुसना क्यों? सर आप पहले करते थे इन्वर्टर का काम, फिर आपने किया सोलर का, अभी भी मैं इन्वर्टर का काम करता हूँ। सो व्हाट इज द मिक्स नाउ? सो देयर आर यू नो लॉट ऑफ मिक्स, वी आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी, वी आर वर्किंग ऑन डीसी टेक्नोलॉजी, डीसी सोलर टेक्नोलॉजी, सो मतलब वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो माय रियल क्वेश्चन टू यू इज हाउ डू यू हाउ आर यू एबल टू एस्टिमेट, हाउ डू यू एस्टिमेट दैट दिस बिजनेस इज मोर लेस प्लैटोइंग ऑफ and I need to kickstart some other business before that plateaus off and go into another drive, another business or something else which will then let me go, because all businesses will not necessarily have a cycle and then that business will go and then will come down. But before that business starts coming down, I need to look at something which will then again, you know, the curve again goes like that. And the curve doesn't go and then again I don't go that way. Actually, for example, 2004, what prompted you to go into solar? So, मैं इस क्वेश्चन का ऐसे जवाब दूंगा। What was that? Technological. What was that? कोई speaker on? Somebody is watching us. Speaker on. मैंने आज की डेट में 390 प्रोडक्ट बनाए। आज की डेट तक का काउंट है 390 और मैंने बेचे होंगे मुश्किल से 40-50 प्रोडक्ट। बाकी प्रोडक्ट मुझे बेचने हैं अभी। So I was always head of technology. So how what helped you and how will you identify the 350 बनाए आपने 40 किए और बाकी 300 रह गए, उन 300 में से कौन से को मैं करूँ? आप मैं अब बड़े सारी चीजें, so we have taken the help of Accenture, now Accenture is working with us, we have taken KPMG on factories, so हमने देखा कि मैं as an entrepreneur एक लिमिट से आगे जा नहीं सकता और ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई है, हमारी हैंडलिंग के चैलेंजेस हैं, मुझे बहुत कुछ लर्न करना है, so we have taken external help, we have created a very good board. And so we are working on a lot of areas. So, but technology was never a challenge for me. मैंने
मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आज से 7-8 साल पहले बना लिए थे लोग अब बात कर रहे हैं मैंने लोगों को 8 साल पहले तो सॉफ्टवेयर दिखाता था देखो ये मेरा मॉनिटरिंग आप इन्वर्टर कहीं भी बैठ के मॉनिटर कर सकते हो ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हो सो अभी तो हमने बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया हूँ टेक्नोलॉजी में How do you rate Luminous? Luminous has been sold over to APC, Schneider. Schneider APC, yes. How do you rate that compared to your product? No, they always copied me. So, unko kabhi hamare patents aa rahe hain, to patents jaise hi aayenge, we'll file a case against them. Everybody copied us. And that's the best part. That's a compliment. That's a compliment. But APC hasn't been able to really get into the Indian market, or they have a huge... Too expensive and not ऐसा नहीं देखिए APC is strong in UPS market इन्वर्टर में strong नहीं UPS so इन्वर्टर में आप देखिए ना इंडिया में कोई चाइना का इन्वर्टर मिलता है आपको कहीं कभी सुना आपने मेड इन चाइना तो बस आप इधर को इससे सुगम की बहुत बढ़िया हाथ है आप अफ्रीका में जाएंगे वहां पे मेरे आधे रेट से कम में बेचते हैं चाइनीज फिर भी हम बेचते हैं सो टेक्नोलॉजी वॉज यू नो ड्राइविंग this thing so we don't make any product without microcontroller or processors my experience 2 days back I had somebody to fix up my inverter so I asked him which is the best inverter in the market he said sir sabse solid to Su-kam uski jo quality hai bahut badi hai solid but what is the difference in current between inverter and UPS vis-a-vis the inverter which are available now I mean once upon a time there was a huge difference so I coined the term called home UPS मैंने 2008 में अपने इन्वर्टर के अंदर यूपीएस का फीचर डाल के दे दिया आज की डेट में इन्वर्टर बिकता ही नहीं इट्स कॉल्ड होम यूपीएस सो यू कैन रन कंप्यूटर्स एज वेल एज दिस सो इट हैज यू नो सब कुछ मिक्स हो गया इवन हम अब 3-phase इन्वर्टर बना रहे हैं उसमें भी स्ट्रिक्ट टाइम 0 कर दिया सो दैट इन्वर्टर विल आल्सो ऑलमोस्ट ऑनलाइन यूपीएस सो वी हैव बीन चेंजिंग द टेक्नोलॉजी वी मेक बैटरीज एज वेल वी मेक बैटरीज ट्यूबलर बैटरी I made biggest loss in you know battery industry. मैंने SMF की फैक्ट्री लगाई 3 साल में 120 करोड़ रुपए का लॉस बनाया जमीन पे आ गया बैंकों ने हाथ खींच लिए मेरे इन्वेस्टर्स ने कर लिया बट समो अच्छे दिन देखे बुरे दिन देखे मतलब ठीक है बढ़िया है काम सर आपका जोडियक साइन क्या है स्कॉर्पियो 6 months for that.